स्वामी विवेकानंद की जयंती सह युवा दिवस की तैयारी गिरिडीह में जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान रोशन चंद्रवंशी और उनके सहयोगी अंकित राज, सक्रिय कार्यकर्ता रजत राज, राहुल कुमार आदि के नेतृत्व में जरासंघ चौक, सर जेसी बोस चौक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, अंबेडकर चौक और जेपी चौक आदि जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस बाबत नगर एसएफडी प्रमुख रोशन ने बताया कि स्वच्छता का कार्य समाज में स्वस्थ रहने का संदेश देता है, साथ ही साथ हमें हानिकारक बीमारियों से भी बचाए रखता है। विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से ही स्वच्छता अभियान चलाने का समाज से आग्रह किया है। कहा कि जब तक हमारा समाज तन और मन से स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरे नगर के पूरे टीम ने मिल के साफ सफाई की, हर चौक गए अच्छे साफ सफाई। आशा करता है आगे भी हो। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 12 तारीख को युवा दिवस मनाया जा रहा है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है हर कोचिंग में जाकर कंपटीशन के लिए बात कर रहे हैं, प्रतियोगिता होगा जो हमारे, उसके लिए सब कोई लगे हुए हैं। आशा करते हैं आप लोग भी मिलजुल के हमारा सपोर्ट करें, गिरिडीह अच्छे से साफ सुथरा रहे, किसी को बीमारी ना हो। और जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना से हम लोग जल्द से जल्द बचे, चूँकि साफ सफाई बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज नगर के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य किया गया, साफ सफाई का अभियान चलाया गया आज 9 जनवरी को। कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर प्रतिमा को साफ सुथरा किया एवं विद्यार्थी परिषद का यह निर्देश है, दिशा दिखाया जाता है कि साफ सफाई शहर रखा जा सकता है सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और अभी हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता 12 जनवरी को लेकर प्रतियोगिता का सभी ट्यूशन संस्थान में प्रतियोगिता का कार्यक्रम का तय किया हूँ और 12 जनवरी को उसका सफलतापूर्वक कार्यक्रम शो किया जाएगा।